हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीके बाय ज्योति का। और आज फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 सितंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो आपके आने वाले किसी भी वे आगामी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। आपको जैसा कि पता है कि RRB रेलवे, RRB NTPC की एग्जाम डेट्स आ गई हैं, जो आपके 15 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट होंगे। उसके लिए मैं आपके लिए NTPC की हरियाणा जीके की एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ अगले 1 से 2 दिनों में। उसके लिए NTPC की एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि फर्स्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लहब सोल त्योहार कहाँ मनाया जाता है। क्या आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका पंग लहब सोल, क्या है आपका पंग लहब सोल त्योहार कहाँ मनाया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पंग लहब सोल त्योहार आपका कहाँ मनाया गया। तो ये मनाया गया आपका असम। कहाँ मनाया गया आपका, किस स्टेट में मनाया गया आपका ये त्योहार, ये मनाया गया आपका सिक्किम। सिक्किम स्टेट में आपका ये त्योहार मनाया गया। बात करते हैं आपके सिक्किम, सिक्किम की कैपिटल आपकी गंगटोक। सिक्किम की कैपिटल आपकी गंगटोक। और सिक्किम के जो आपके CM है वे हैं आपके प्रेम सिंह तमांग। क्या है सिक्किम के चीफ मिनिस्टर आपके प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर आपके गंगा प्रसाद। सिक्किम के गवर्नर रहेंगे आपके गंगा प्रसाद, सिक्किम के गवर्नर रहेंगे आपके गंगा प्रसाद जी, और CM रहेंगे प्रेम सिंह तमांग, और सिक्किम के आपके कैपिटल रहेगी सिक्किम के आपके गंगटोक। अब बात करते हैं पंग लहब सोल त्योहार की, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है। जो सिक्किम का जो स्टेट देवता होता है, उसके जो स्टेट देवता होता है उसके संरक्षण, उसके उस देवता की पूजा के लिए त्योहार मनाया जाता है। क्या है सिक्किम के देवता की पूजा, जो सिक्किम में जो देवता होता है उसके संरक्षण के लिए इस त्योहार का आयोजन किया जाता है, और जो राज्य देवता होता है उसकी आपकी पूजा, कुछ आपके जैसे स्थानीय लेवल पर आपके जो गॉड या गॉडेस होते हैं, जो देवता या देवी होती है, उनकी पूजा के लिए ये त्योहार आपका मनाया जाता है। बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन का, आपका सेकंड क्वेश्चन आज की करंट अफेयर्स का कि ब्रिटिश पत्रिका क्या है। ब्रिटिश पत्रिका उस पत्रिका का क्या नाम है आपका, प्रोस्पेक्टस। क्या है आपका प्रोस्पेक्टस, एक ब्रिटिश पत्रिका है आपकी प्रोस्पेक्टस ने भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को, क्या है स्वास्थ्य मंत्री को आपका टॉप थिंकर 2020 के रूप में चुना है। ब्रिटिश की पत्रिका आपकी, ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट में भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को, भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है। बात करते हैं आपके फर्स्ट बात तो ये रहेगी आपके जो प्रोस्पेक्ट पत्रिका है वो आपके किस देश से बिलोंग करती है, यानी किस देश की प्रोस्पेक्ट पत्रिका है। तो ये है आपके ब्रिटिश की। फिर इसके बाद बात करते हैं कि जो ये पत्रिका आपके प्रोस्पेक्टस ने भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को टॉप थिंकर 2020 के अवार्ड के लिए नामित किया। तो किस राज्य के स्टेट जो चीफ स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर आपके, वे आपके किस राज्य की आपकी, केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री आपकी KK शैलजा। क्या आपकी KK शैलजा स्वास्थ्य मंत्री आपकी किस राज्य की, केरल की, और केरल के स्वास्थ्य मंत्री आपकी KK शैलजा। और KK शैलजा को इस पत्रिका के लिए, पत्रिका को टॉप थिंकर 2020 के रूप में चयनित किया गया। KK शैलजा ने COVID-19 के दौरान जब लॉकडाउन चला था तो बहुत से ऐसे कार्यक्रम लॉन्च किए जिसके द्वारा लोगों को उनके कार्यक्रमों के द्वारा मदद मिले, और इसी के कारण उन्हें
ब्रिटिश की पत्रिका प्रोस्पेक्ट्स में टॉप थिंकर अवार्ड के रूप में नामित किया गया। बात करते हैं केरल, केरल की कैपिटल आपकी तिरुवनंतपुरम, क्या है तिरुवनंतपुरम, कैपिटल आपकी केरल की तिरुवनंतपुरम। और कैपिटल में ही एक अभियान चला था आपका ब्रेक द चैन अभियान, क्या है ब्रेक द, ब्रेक द चैन अभियान आपके केरल स्टेट में चला गया था कोरोना वायरस से, कोरोना वायरस की जो चैन बनी है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की जो चैन लगातार बन रही थी उसी को रोकने के लिए ब्रेक द चैन अभियान आपकी केरल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। बात करते हैं आपके थर्ड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की। आपका थर्ड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि विदा कनुका योजना किस राज्य ने शुरू की है, कौन सी योजना आपकी विदा कनुका योजना का नाम रहेगा आपका विदा कनुका, ये योजना है आपकी किस राज्य ने शुरू की है। बात करते हैं जब आपके विदा कनुका योजना, विदा कनुका योजना है आपकी वो किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो ये किसने शुरू की है, ये की आपकी आंध्र प्रदेश, क्या आपकी आंध्र प्रदेश। बात करते हैं आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित कैपिटल आपकी, आंध्र प्रदेश की कैपिटल आपकी अमरावती और आंध्र प्रदेश के सीएम आपके जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर रहेंगे आपके विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। आगे बात करते हैं जो विधाकनों का योजना है वे वो योजना क्या है, इस योजना के तहत जो आंध्र प्रदेश के जितने भी स्कूली छात्र हैं उनके लिए मुफ्त जो स्टेशनरी की जो सामान होता है वो मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा, क्या है मुफ्त स्टेशनरी, मुफ्त स्टेशनरी सामान आपके छात्रों को मिलेगा, क्या है जो स्टेशनरी का जो सामान होता है जितना भी वो मुफ्त मिलेगा इस योजना के तहत आपको विद्या कनुदा योजना। और किस गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा आपके शुरू की है, सीएम आपके जगनमोहन रेड्डी जी और गवर्नर आपके विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, कैपिटल रहेगी आपके आंध्र प्रदेश की अमरावती। बात करते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन की, आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रग पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, क्या है आपका, क्या है आपका कि किस राज्य सरकार ने आपका ड्रग पार्क, क्या है ड्रग्स, ड्रग पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो आपका जो ड्रग पार्क है वो किस राज्य सरकार ने स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये किस राज्य सरकार ने की है, ये की है आपकी उड़ीसा गवर्नमेंट ने, किसने की है आपकी उड़ीसा गवर्नमेंट ने, और उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल है आपकी भुवनेश्वर और उड़ीसा में स्थित एक प्रसिद्ध झील जिसका नाम है आपका चिल्का झील, क्या है चिल्का झील, और चिल्का झील आपकी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, क्या है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी चिल्का झील, और उड़ीसा, उड़ीसा के सीएम आपके नवीन पटनायक जी, क्या है नवीन पटनायक जी, उड़ीसा के सीएम क्या आपके नवीन पटनायक जी। और जो ये जो ट्रक पार्क स्थापित करने की घोषणा उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, जो गैर खनिज, जो गैर खनिज क्षेत्र होते हैं उसमें रोजगार के, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा यह इस घोषणा को किया गया, क्या है जो रोजगार के अवसर, जो गैर खनिज क्षेत्र होते हैं, गैर खनिज क्षेत्र, गैर खनिज क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार को आपका बढ़ावा देने के लिए इस उड़ीसा, इस योजना की शुरुआत आपके उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, किस गवर्नमेंट के द्वारा, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा आपकी इस योजना की शुरुआत की गई है, जो गैर, गैर खनिज क्षेत्र होते हैं उसमें रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। आगे बात करते हैं किस कंपनी को आईपीएल के तीनों सत्रों के लिए आधिकारिक पार्टनर के रूप में चुना गया है, क्या आपको पता है कि अब आप आईपीएल शुरू होने वाले फर्स्ट मैच होगा आपका मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस जो टीम है उसकी आपकी कैप्टनसी करेंगे रोहित शर्मा और जो चेन्नई सुपर किंग्स है उसकी कैप्टनसी करेंगे आपके
महेंद्र सिंह धोनी। आगे बात करते हैं, जैसे आपका फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है कि आईपीएल आईपीएल के तीनों सत्रों आईपीएल के तीनों सत्रों के लिए आधिकारिक आईपीएल के तीनों सत्रों के लिए आधिकारिक पार्टनर के आईपीएल के तीनों सत्रों के लिए आधिकारिक पार्टनर के रूप में किस कंपनी को चुना गया है? क्या आपका किस कंपनी को चुना गया है? तो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के तीनों सत्रों के लिए आधिकारिक पार्टनर के रूप में किस कंपनी को चुना गया? तो ये किसको चुना गया? ये चुना गया आपका अनअकैडमी। क्या है आपका अनअकैडमी को चुना गया। अनअकैडमी आपको पता है इंडिया का मोस्ट फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और इसकी शुरुआत हुई थी आपके 2015 में। इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म की शुरुआत कब हुई थी आपकी? 2015 में की गई थी और इसके जो संस्थापक या फाउंडर आपके, एक आपका रमन सैनी और सेकंड आपका गौरव मुंजाल। क्या है? गौरव मुंजाल और रवि सैनी के द्वारा, दोनों दोस्तों के द्वारा इस अनअकैडमी जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसकी स्थापना की गई है और इसका आईपीएल के जितने भी स्तर होगा 2020, 2021 और 2022 जो तीनों स्तरों के लिए आपका अनअकैडमी को ऑफिशियल पार्टनर के रूप में चुना गया है। क्या है? 2020 आपका जो 2020 का जो आईपीएल के जो प्रीमियर मैच है वे तो स्टार्ट होने वाले हैं और 2021 और 2022 तीनों सत्रों के लिए आपको आपके अनअकैडमी को ऑफिशियल रूप से चुना गया है। आगे बात करते हैं आपके, आपका सिक्स क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की, आपका सिक्स क्वेश्चन है एटीएम, जो आपका सिक्स क्वेश्चन है आपका एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम कार्डलेस एटीएम कार्डलेस कैश विड्रॉ करने की सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? कैश निकासी की सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? फर्स्ट सिक्स क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स की एटीएम है जो उसके बिना आपकी कार्डलेस कैश निकासी यानी कैश विड्रॉल की सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? तो ये की है आपकी आरबीसी बैंक। किसने शुरू किया? आपकी आरबीसी बैंक। बात करते हैं आपके आरबीसी बैंक, आरबीसी बैंक का हेडक्वार्टर आपका मुंबई। कहाँ आपका आरबीसी बैंक का हेडक्वार्टर आपका मुंबई और इस बैंक ने आपका कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा स्टार्ट की है। बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर माह को किस माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर माह को किस माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो सितंबर माह को किस माह के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने मनाने की घोषणा की? पहले फर्स्ट बात करेंगे कि सितंबर माह को किस माह के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो ये की आपसे पोषण माह। किसके रूप में? पोषण माह। ये आपके दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर माह को किस माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही रहेगा कि पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि नरेंद्र मोदी जी ने पोषण माह के रूप में मनाने के लिए किस महीने की घोषणा की है, तो ये है आपका सितंबर महीने की घोषणा की है। आपका एट्थ क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने वाटर शेड परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? कौन सी परियोजना आपकी किस राज्य सरकार ने वाटर शेड
किस राज्य सरकार ने आपकी वाटर सेड परियोजना, कौन सी परियोजना आपकी वाटर सेड परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो वाटर सेड परियोजना आपके किस स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है आपके कर्नाटक, किस राज्य सरकार ने की है आपकी कर्नाटक। और जो वाटर सेड परियोजना है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा किसकी सहायता से की जाएगी आपकी वर्ल्ड बैंक की सहायता से आपकी वाटर सेड परियोजना को स्टार्ट किया जाएगा आपको कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। कर्नाटक की कैपिटल है आपकी बेंगलुरु और कर्नाटक के सीएम आपके बी.एस. येदुरप्पा।